सवाल। शिवराज सरकार ने पुलिस विभाग एमपी पुलिस को बड़ी राहत दी गई है, जिसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 72(1)(72) में संशोधन किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई और एएसआई को टीआई का चार्ज दिया जा सकेगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार की इस योजना को मार्च के महीने तक सक्रिय रूप में लागू करने की योजना है। इसी के साथ मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस जवानों को दिए जाने वाले मेडल पर भी निर्णय हो चुका है। मार्च महीने तक पुलिस जवानों को कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए मेडल प्रदान कर दिया जाएगा। बता दें कि मई 2016 में पदोन्नति में आरक्षण का नियम समाप्त कर देने से प्रमोशन पर रोक लग गई थी, जिसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने प्रशासन शाखा के बीच का रास्ता निकालने के लिए विभाग से सिफारिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी स्तर के 12,810 पद रिक्त हैं, जिसको प्रमोशन से भर दिया जाना चाहिए। जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीच का रास्ता निकालकर पुलिस मुख्यालय के प्रशासन शाखा में प्रमोशन का समाधान ढूंढा गया है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गृह विभाग में जो कोविड मेडल देना था हमको अपने पुलिस के जवानों को, उस पर भी निर्णय हो गया है और मार्च तक ये मेडल भी हम दे देंगे। सर, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं।